गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लम्हे। आज सुबह के बज रहे हैं 7 और चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं अपनी चाय के साथ। देखिए बन चुके हैं यहाँ पे मेरी चाय और बच्चे जो हैं वो स्कूल और कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो तब तक जो है मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद जो है बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो है आरुषि सुबह उठ गई थी, वो अपना उसका एग्ज़ाम है तो वो पढ़ाई कर रही है यहाँ पे, और आयुष जो है वो भी रेडी हो चुका है, बस बच्चों को दे दिया है मैंने बादाम और पी रही हूँ मैं अपनी चाय यहाँ पर। तो मैंने 10 बार बोला पहले देख लिया कर बेटा, क्योंकि पापा कर देते हैं ना उसको। बॉटल रख ली, बॉटल आपको मैंने 10 बार बोला कि ना प्रेस को करके और उसको फिर स्लो पे कर दिया करो, ये बच्चे करते हैं ध्यान नहीं देते। तो टी शर्ट हल्की सी जल गई है, क्या हुआ पता नहीं, जल ये कि चिपक गई क्या हुआ। और आयुष जा चुका है कॉलेज और अब यहाँ पे जो है मैं आरुषि की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ क्योंकि उसका भी जो है टाइम हो रहा है, तो बस वो रिविजन कर रही है और उसके बाद जो है वो नहाएगी, उसके बाद मैं उसका नाश्ता वाश्ता बना दूँगी। हस्बैंड भी जो है उठ चुके हैं, उनको भी जो है चाय मैं दे चुकी हूँ, तो बस यहाँ पे जो है मैं प्रेस कर रही हूँ। प्रेस जो है काफ़ी परेशान मुझे कर रही है, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमारे काम जो है सेम टू सेम ही रहते हैं, जब वो छोटे थे तब भी यही काम थे, बड़े हुए तब भी यही काम है। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों इसमें जो है हीट नहीं आ रही है, तो वही जो मैंने हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दो, उसके बाद देखना क्या पता ठीक हो जाए। और बस अब जो है इसको मैं थोड़ी देर बंद करके रखती हूँ और वापस से जो है दोबारा करने की कोशिश करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लम्हे। और सुबह के बज रहे हैं 9 और बेटी जो है अभी अभी गई है स्कूल के लिए, एग्ज़ाम है उसका, और बेटा जो है सुबह निकल गया था कोई 7-7:30 के आसपास, तो दोनों बच्चों का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बाद वो दोनों जाएंगे दादी के यहाँ क्योंकि उनकी आ रही है बुआ, तो बच्चे जो है शाम तक ही आ पाएंगे, देखें कब तक आएंगे। वैसे तो वो लंच तो वहीं करेंगे आज, तो आज जो है थोड़ा मेरे पास काम भी है क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं क्योंकि तबीयत जो है ढीली थी, कल भी थोड़ी सी थी, तो कल भी जो है मेरा ब्लॉग कुछ नहीं बन पाया, तो आज मैंने स्टार्ट किया है, सुबह से ही किया है, तो देखिए कितना बन पाता है और कितना मैं काम कर पाती हूँ, तो जो भी होगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और जब मैं सुबह उठी थी ना 6 बजे के आसपास तब भी इतनी ही गर्मी थी और अभी भी जो है इतनी गर्मी हो रही है और समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से कहाँ से करूँ काम स्टार्ट। जब घर में कोई नहीं होता ना तो ऐसा लगता है कि जब घर में कोई नहीं होगा ना तो काम बहुत सारा कर लेंगे, लेकिन जब सब चले जाते हैं तो ये समझ नहीं आता कि काम करें कहाँ से, वो नहीं समझ आ रहा। अब कई बार तो सोचती हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स हो लेती हूँ, अभी अभी गए हैं चलो अभी उठूँगी अभी करूँगी, वो अभी अभी के चक्कर में ना बहुत टाइम निकल जाता है। तो फिलहाल तो मैं अपना आलस छोड़ती हूँ, सिर में हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा दर्द लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि अभी घर में कोई नहीं तो अच्छे से साफ सफाई भी हो जाएगी और जो मेरे थोड़े से पेंडिंग वर्क है वो भी शायद हो जाएं, देखती हूँ कोशिश पूरी करूँगी कि हो जाएं। तो अभी मैं थोड़ी सी बना लेती हूँ पहले चाय, सुबह भी पी थी एक बार चाय लेकिन अभी सोच रही हूँ एक हाफ कप चाय और ले लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ जिससे कि है मतलब जो एक सिर में जो दर्द बना हुआ है वो कम रहे,
दवाई मैं लूँगी नहीं, क्योंकि दवाई लेती हूँ ना फिर उसके बाद मन करता है कि रेस्ट करो, तो मैं रेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ अभी, क्योंकि रेस्ट किया तो फिर काम रह जाएगा। तो फिलहाल तो मैं अभी यही करती हूँ, क्योंकि लंच का बनाने का इतना कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है वो दादी के यहाँ लंच करेंगे, हस्बैंड आएंगे तो मेरा और उनका ही लंच होगा, तो जल्दी से बन जाएगा फटाफट, जो भी कहेंगे मैं बना दूँगी, या उनके आने से पहले जो भी है, जो भी समझ आएगा वो बना दूँगी। तो चलिए फिलहाल तो मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, और बच्चों को नाश्ता करवा दिया था, बेटा तो कुछ ज़्यादा खाता ही नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत उसने खाया पिया जो भी मैंने उसको दिया था वो बस वही उसने, और बेटी भी जो है थोड़ा बहुत ही नाश्ता करके गई है, हस्बैंड को मैंने करवा दिया है नाश्ता, अब मैं भी कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। पराठा, अचार और चाय। तो आ गया मेरा नाश्ता और चाय मैंने बना ली है, और उसके साथ मैंने सुबह हस्बैंड के लिए पराठा बनाया था, तो एक अपने लिए भी छोटा सा बना लिया था, और काफ़ी टाइम बाद जो है मैं अचार और पराठा खा रही हूँ चाय के साथ, और सर्दियों में ये नाश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज बहुत मन किया तो आज मैंने बना लिया, अदरवाइज़ मैं खाती नहीं हूँ। तो चलिए मैंने कर लेती हूँ नाश्ता अपना, और उसके बाद फिर करेंगे घर के काम, तो आप भी जो है मेरे साथ बने रहें। नाश्ता बहुत तरीके का होता है, लेकिन जो पराठे की बात है ना, वो पराठे की ही बात है, चाय पराठा इतना अच्छा लगता है ना बहुत ज़्यादा, और इसके जैसे नाश्ता मुझे नहीं लगता कोई और होगा, कि इससे ना एकदम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है खा के, मतलब एकदम तसल्ली मिल जाती है कि हाँ जी हमने कुछ खाया है। नाश्ते में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रेड है, ऑमलेट है, सैंडविचेस हैं, मैगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो लोग जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्रेकफास्ट बनाने लगे, पहले तो सिंपल सा जो है ब्रेकफास्ट हुआ करता था अपना, चाय और पराठा, और इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई ऐसी चीज़ है जो अच्छी लगती है, मुझे तो ये बहुत पसंद है, और मेरे जैसे बहुत सारे हैं, ज़्यादातर लोगों को जो है चाय पराठा बहुत अच्छा लगता है, और पराठा अचार तो क्या कॉम्बिनेशन है उसका, कोई मतलब कोई नहीं है। तो चलिए अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी में चल जाता है, लेकिन सर्दियों में तो गर्म गर्म पराठे हों अचार हों तो मज़े ही आ जाते हैं, बहुत मुँह में पानी आ रहा है अचार के नाम से। अचार पहले मैं बहुत खाती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा कम कर दिया, अब खाया नहीं जाता, मुँह में पानी आ रहा है अचार का नाम लेते लेते ही, तो खा लेती हूँ दाल चावल के साथ, तो अचार बहुत ज़रूरी है, उसके साथ तो मुझे चाहिए चाहिए, और खिचड़ी हो या कुछ हो ऐसा, उसके साथ अचार दही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो देसी खाना होता है ना, देसी खाना ही होता है, उसकी जैसे उसकी तो कोई मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है, चाहे हम कितना भी कुछ खा लें, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना सिंपल दाल चावल से ही मिल जाती है, तो ऐसे ही जो सुबह का नाश्ता है ना सिंपल पराठे के साथ मिल जाता है। तो चलिए मैं अपने पराठे करके इंजॉय, तो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। स्कूल के लंच किया था मुझे पराठा खा के, स्कूल में ले जाते थे ना पराठा और चाय, स्कूल में तो बहुत अच्छा लगता है। बाहर देखिए धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, और अभी नाश्ता मेरा हो गया है, तो मैं जो है फटाफट से सफाई कर लेती हूँ पहले, क्योंकि सफाई का काम मेन है, और वो सफाई हो जाती है ना तो एक उसके बाद जो है कि रूटीन बना रहता है, सफाई के बाद फिर बर्तन है, कपड़े हैं, और भी चीज़ें हैं, खाना वाना है, जैसे कि आप जानते हैं हाउस वाइफ का काम ही यही होता है। तो बस अब जो है मैं ये सोच रही हूँ कि आज सुबह पता क्या हुआ, मैं बेटी की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी, और एक मैंने उसकी स्लीव्स कर दी थी प्रेस, अच्छे से हुई है, उससे पहले बेटा करके गया, और बेटा बल्कि मेरे को बोल के गया था कि मम्मी प्रेस जो है ना वो ठीक से ध्यान से करना है, क्योंकि मैंने टी शर्ट उसकी थोड़ी सी हल्की सी लग गई थी, तो मैंने कहा कि वो कई बार ना हस्बैंड करते हैं तो उनको काफ़ी तेज़ गर्म मतलब प्रेस करके, और तब उनके कपड़े जो कॉटन के शर्ट वगैरह होते हैं ना तो तब हो पाती है,
अब वो क्या करते हैं, वो कर देते हैं और फिर उसको वापस से जो है स्लो करना भूल जाते हैं। तो वो बस आयुष ने देखा नहीं, तो उसकी थोड़ी सी टी शर्ट जो है वो उसमें चिपक गई, ज़्यादा नहीं जली नहीं है, थोड़ी सी चिपकी है बस। तो वो मुझे बोल के गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं करती हूँ। मैंने उसको नॉर्मल किया, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही कर रही हूँ, और एक स्लिप्स किया, उसके बाद वो चली ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। बेटी जो है बस आधी अधूरी प्रेस वो है, उसके कपड़े गई है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अब सुबह सुबह की जल्दी प्रेस वाला भी कोई आता नहीं है। तो चलिए करती हूँ अपने काम स्टार्ट। बार बार यही बोल रही हूँ, काम स्टार्ट करते और यह की बातों में लग जाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए ना आप लोगों से बातें किए हुए, भी बातें बहुत सारी भी हो जाती है। बच्चे होते ना घर में, तो फिर थोड़ा सा उनकी पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में कम बोल पाती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ओवर वॉइस ओवर ही करनी पड़ती है। तो मैं सोचती हूँ जितना हो सके कि फेस टू फेस आपसे बात की जाए, आपको बताया जाए जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी चीज़ के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो चलिए काम कर लेती हूँ, वरना जो है पूरा दिन निकल जाएगा ऐसी बातों में। काम कर रही थी, सारा काम हो चुका था मेरा, सफाई वगैरह सारी सब कुछ हो गया था। फिर मैंने सोचा था चलो जब तक तो मशीन नहीं लग रही है, लास्ट था मेरा राउंड मशीन का भी, तो सोचा कि दाल चला दूंगी और उसको सिम करके चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो ये देखिए जल्दी जल्दी में क्या हो गया, सारी की सारी मिर्च सारी तो नहीं गिरी है, लेकिन पूरा डब्बा भरी हुई थी, और मुझे लग रहा है इसका ढक्कन शायद खुला था, पता नहीं। हस्बैंड ने रात को कुछ बनाया था, तो हो सकता है उनसे खुल गया, मैं पूछूंगी वैसे। और ये देखिए वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपना फेस को बहुत पीछे कर लिया और आंखें बंद कर ली, वरना सारी मिर्च मेरी आंखों में जाती है। तो कितना नुकसान हो गया पता, मुझे दोबारा सफाई करनी पड़ी, और मेरे ऊपर मेरी सारी मैक्सी पे भी गिर गई है, जाके फटाफट नहाती हूँ वरना मिर्च से मर जाऊंगी मैं, सारी सारी मिर्च मेरे ऊपर ही गिर गई है। तो सारा ना मुझे जल्दी, मतलब जब सोचती हूँ ना कुछ काम करके फटाफट निकाल मिटा कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूंगी, तभी कुछ ना कुछ ऐसा पंगा होता है। चलिए मशीन लगाई हुई है, आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको, बस कपड़े ये उनको निकाल के फिर फटाफट जाती हूँ नहाने के लिए। और ये देखिए गाइस कहाँ तक आई है मिर्च, और पता पूरी मतलब मेरी जो डब्बा था वो मिर्च का पूरा भरा हुआ था, पूरा ऊपर था, और शायद वो उसमें चम्मच ठीक से नहीं रखा गया, क्या हुआ उसका ढक्कन लूज था, और जैसे मैंने हाथ लगाया वो सीधे मेरे ऊपर ही। उस दिन जागरण में गए थे ना, तो साड़ी पे कुछ लग गया मेरे ना नीचे, कुछ चीज खा रही होंगी तो गिर गया, कुछ चटनी है क्या है पता नहीं, तो उसको डाल देती हूँ। हल्की हल्की साड़ियाँ तो घर में भी धुल जाती हैं, बाकी हैवी साड़ियों के लिए थोड़ा सा ट्रैकिंग भी ज़्यादा होता है। बस ये मेरे धुल जाएंगे, उसके बाद मैंने हल्दी बाल मैंने चढ़ाई दी है। तो कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके हैं, और साफ़ सफाई मेरे को दोबारा करनी पड़ी, मतलब किचन की है, पूरे घर की नहीं, किचन और ड्राइंग रूम की दोबारा से की है। और उसके बाद जो है मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद अब यहाँ पे देखिए कपड़े भी जो है मैंने डाल दिए हैं, अभी थोड़े बहुत कपड़े बाथरूम में भी रखे हैं, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, थोड़ी देर में ही जो सूख जाएंगे, गर्मी काफ़ी है। सारे काम मेरे हो चुके हैं, नहाना धोना भी हो गया है, सफाई भी हो गई है, कपड़े भी हो चुके हैं, और सुखाने के लिए मैं डाल चुकी हूँ बाहर। और आज तो जो है सफाई दो बार हो गई है, वो क्यों हो गई है वो तो आपको पता ही है, और शुक्र है कि वो मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च थी कुटी हुई जो थी,
वो कश्मीरी लाल मिर्च थी और काफ़ी देर मेरे यहाँ पे रही गर्दन पे चिपकी हुई। बाकी तो मैंने झाड़ दिया था लेकिन यहाँ पे जो काफ़ी सारी चिपकी हुई थी तो सोचा था नहाने के टाइम जो है मैं उसको निकाल दूंगी, क्योंकि बार बार मैं कपड़े उतारती फिर बीच में क्योंकि मशीन लगी हुई थी तो फिर इसी वजह से जो है वो काम भी रोक नहीं सकती थी मैं बीच में से, तो इसी वजह से जब तक मेरी मशीन लगी थी तब तक जो है मैंने ऐसे ही उसको ऐसे ही रखा। लेकिन शुक्र है कि वो ज़्यादा तेज़ नहीं थी वरना शायद रहा नहीं जाता, बहुत जलन होती। लेकिन नहाने के टाइम जो है मैंने अच्छे से 2-3 बार साबुन लगा के काफ़ी अच्छे से रगड़ के उसको जो है साफ़ किया है, तो जलन तो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है और आँख भी चली जाती है, पता बहुत सारी, मेरा डब्बा आधे से ज़्यादा खाली हो गया, वो पूरा डब्बा भरा हुआ था, मैंने शायद कल परसों ही वो डाला था डब्बे में। अब पता नहीं शाम को मुझे ऐसा लग रहा है हस्बैंड ने शायद जो उसके अंदर चम्मच होता है ना वो ठीक से गया नहीं, तो ढक्कन जो है लूज ही रहा वो। और बस आज तो मेरा अच्छा खासा स्नान हो रहा था, पानी की जगह मिर्च से अच्छा खासा स्नान हुआ मेरा आज। कभी कभी हो जाता है किचन में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है, अच्छा हुआ मेरे साथ हुआ। कई बार तो मेरी बेटी ही जाती है, वो कुछ ना कुछ अपने लिए बनाती रहती है, तो बहुत अच्छा हुआ कि उसका हाथ नहीं लगा, वरना बच्चा है तो एकदम से बस मैं डर गई थी, मुझे लगा कि मेरी जगह आरुषि होती या आयुष होता या हो जाता है ना थोड़ा सा, बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती अपनी तो फिर भी सहन हो जाती है। तो चलिए सारे काम हो गए और ये देखिए 9:30 बजे से मैं लगी थी और अब बज रहा है 1:01 बज गया है। और सोचा था कि थोड़े से मेरी जो है ना अपने चीज़ें फैली हुई हैं उनको समेट लेती है, अलमारी ठीक कर लेती है, लेकिन कुछ नहीं भी हो नहीं पाया है। तो यही होता है जब घर में कोई नहीं होता तो सोचती हूँ जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो तो फिर ये चीज़ें हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हस्बैंड आने वाले हैं तो मैं बनाऊंगी रोटी, दाल मेरी बन चुकी है फिर छौंक लगाना है सिर्फ, और उसके बाद रेस्ट करूंगी जैसे कि हमेशा करती हूँ मैं। जब तक दिन में थोड़ी देर सोना लूँ ना तो सिर भारी रहता है, तो इसलिए जो है एक चाहे 1 घंटा ही मैं लेटूँ, लेकिन लेटूँगी ज़रूर, अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो शाम को मिलूँगी फिर जो होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं अपने काम पे, किचन में और कहाँ जाएंगे। तो बन चुका है मेरा लंच, दाल और ये है मिक्स दाल है, रोटी और प्याज और हरी मिर्ची जो मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए खा लेते हैं लंच। तो बच्चे तो आए नहीं हैं, बच्चे आएंगे शाम को क्योंकि इनकी बुआ आ चुकी है, तो हस्बैंड आ चुके हैं, बेटी को छोड़ दिया दादी घर, बेटा भी आया नहीं कॉलेज से, और लंच मेरा तैयार हो चुका है तो अब करने जा रही हूँ मैं लंच। और मिर्ची का डब्बा जो है वो हस्बैंड ने ही खोला था, वो कह रहे हैं कि मेरे को क्या पता, छोटी हाइट की औरतों के साथ ये बड़ी परेशानी है कि हाथ पहुँचता नहीं और डब्बे गिरा लेती हैं। अब इसको थोड़ा सा वो कर दो, गाढ़ा हो रहा था, बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो। अरे दाल में ना पहले मेरे को कम लगा था, उसके साथ अच्छे लग रहा है। हाँ दाल में पहले मेरे को कम लगा था, फिर मैंने थोड़ा और डाला, अब तेज आ रहा। मिर्ची खाओगे? तो हमारा हो रहा है यहाँ पे लंच और साथ में बातें भी होती जा रही हैं, और बहुत ही अजीब सा लग रहा है बाहर जो है, सुनसान सा हो रहा है क्योंकि बच्चे बाहर बैठे होते हैं ना तो चहल पहल सी रहती है, तो आज बड़ा अजीब सा लग रहा है दोनों अकेले बैठ के जो है यहाँ पे लंच कर रहे हैं। तो चलिए कर लेते हैं लंच, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, कल आरू कह रही थी कल तो 45 डिग्री है, अच्छा थोड़ा सा।
साजिश करी मेरे ख्याल, साजिश करी मेरे ख्याल, है ना? मिर्च से मारूंगी नहीं, लेकिन अंधी तो जाऊंगी, आंखों पे गिर जाती तो, है ना? तो आज जो है सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था और लंच हमारा हो चुका है और अब जो है आराम करने का टाइम है। अब बज रहे हैं शायद की हूँ 2 बज रहे और अब आ रही है सुस्ती, थोड़ी देर सोएंगे तो उसके बाद शाम को कुछ करेंगे काम वाम। ग्रेप्स आए हैं फिलहाल, तो अभी नहीं धो के रख देती हूँ, ठंडे कर लेती हूँ फ्रिज में रख के, और शाम को बनाऊंगी इनका जूस, और बच्चे भी जो है शाम को ही आएंगे। तो ये जो व्लॉग है मेरा काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि शाम तक अगर बनाऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर के लंच तक जो है इतना हो गया है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए अपनों के साथ। टिल देन बाय बाय।